जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है जिसमें कुछ हमें जानवर देता है और उसमें हमें सिरों की संख्या दी जाती है और पैरों की संख्या दी जाती है। ऐसे जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए बिल्कुल हमारे पास 2 ही सेकंड का वक्त चाहिए। आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है कितना भी जटिल प्रश्न हो। लेकिन उससे शॉर्ट ट्रिक पर जाने से पहले हम ये देखें कि उस शॉर्ट ट्रिक की तह तक पहुंचने के लिए हमारे को उसका बेस पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वास्तविकता कैसे होती है, ये हम जरूर जाने। तो मैं आपके एग्जाम्पल के सबसे छोटा से छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में ये आ जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो है, एक तो हम ले लेते हैं क्या, गाय ले लिया अपन ने। जैसे है ना, गाय के भी 4 पैर होते हैं। और एक मैंने ले लिया यहाँ पर मुर्गी ले लिया या कबूतर ले लिया, ये यहाँ पर कबूतर यहाँ पर मैंने ले लिया। कि आपके पास में 2 चीज़ें देगी सरकार। हम प्राथमिकता देखें कि सबसे पहले प्रश्न बनाने वाला प्रश्न कैसे बनाता है। यदि हमें ये पता चल जाएगा तो उसका उत्तर निकालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो है गाइयाँ हैं वो टोटल क्या है, 4 है, और हमारे पास में कबूतर क्या है जो है 3 है, जो कि हमारे सामने पहले उत्तर ही ले लिया हमने। आपको जब कहाँ भी कोई भी क्वेश्चन समझाएगा तो पहले आपको प्रश्न बताएगा फिर उत्तर बताएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं प्रश्न बना रहा हूँ तो मैं प्रश्न किस प्रकार से बनाऊँगा, ये संख्या का रेशो किस प्रकार से बने और किस प्रकार से हमारे पास में आंसर आए। तो इसके लिए आप ध्यान दे जरा, हमने 4 गैयाँ ले ली और 2 ले लिए हमने कबूतर। क्योंकि हमें पता है कि इन 4 गैयों में अगर हम पैरों की संख्या ज्ञात करें, पैर, तो एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, और 4 गाय के हो गए 4 × 4 बराबर 16, तो पैर ये हो गए आपके पास गायों के। और अगर हम कबूतरों के पैरों की बात करें तो कबूतरों के पैरों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कबूतर के पैर होते हैं 2, तो कबूतर हमारे पास में 3 है, तो ये हो गया 2 × 3 बराबर 6 पैर आपके पास में ये आ गए। तो हमारे पास टोटल पैरों की संख्या कितनी होगी, 16 और 6 कितने हो गए आपके पास, 22। तो हमारे पास प्रश्न जो बनेगा कि भाई पैरों की संख्या कितनी है, टोटल 22। एक तो डाटा ये हमारे पास आ गया। दूसरा हम ये देखिए, देखो उत्तर से प्रश्न का डाटा निकाल रहे हैं और फिर प्रश्न से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मतलब 2 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चाहे आपको 4 पैर वाले जीवों की संख्या पूछे, चाहे आपको 2 पैर वालों जीवों की संख्या कोई सी भी पूछे, आपका तुरंत वहां पर आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें गायों की, हम देखें अगर बात करें किसकी, सिर की, तो सिर आपको पता है एक गाय के एक ही होता है, तो यहाँ पर टोटल 4 गैया हैं, तो 4 × 1 बराबर 4 सिर आपके पास ये हो गए। और कबूतरों के भी सिर कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पर आपके पास में 3 कबूतर है, 3 × 1 बराबर कितने हो गए आपके पास में, 3 सिर ये हो गए। तो टोटल सिर हमारे पास में 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो सिरों की संख्या हो गई हमारे पास में 7। ये हमारे पास में प्रश्न का डाटा है। प्रश्न आपको ये बोलेगा कि एक जानवरों के समूह में या फिर कुछ मतलब इस प्रकार के समूह में कुछ गायें और कुछ कबूतर है जिनमें पैरों की संख्या टोटल 22 है और सिरों की संख्या 7 है। तो आपको यह बताना है कि 4 पैर वाले जीव यहां पर कितने हैं और 2 पैर वाले जीव कितने हैं। वैसे तो आंसर दिख रहा है आपको, ये आंसर मैं ऐसे कैसे हिडन कर देता हूं यहां पर। हमारे पास में जो आंसर आ रहा था, ये गाय कितनी है हमारे पास में, 4, और कबूतर कितने हैं आपके पास में, ये आपके पास 3, ये हमारा हिडन आंसर है। अब इस पूरे सिस्टम को हटा कर मैं इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक निकालें। इसके बाद में बड़ा प्रश्न भी दूंगा मैं आपको, आपको करने का मौका भी दूंगा, तो आप जरूर इसको देखें, जरा आवश्यक रूप से देखें इस प्रश्न को। ये निजात है, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का निजात है। इसके बाद में आपको दोबारा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास में जैसे मान लो किसकी संख्या ज्ञात करनी है, हमें पैरों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कुल 4 पैर वाले जीवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में क्या ज्ञात करना, हमें 4 पैर वाले जीव, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 पैर वाले की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में सिर और पैरों में डेफिनेटली है कि सिरों की संख्या कम होगी और पैरों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर किसी के भी 2 नहीं होते लेकिन पैर 2 या 4 होते हैं। तो इसलिए सिरों की संख्या कम मिलेगी आपको और पैरों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। आपको इस रामलीला में पढ़ना ही नहीं है, आप सीधे सीधे संख्या में कंक्लूशन देखना कि इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या उसको बाहर निकाल लेना, अगर आपको कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा तो। तो यहाँ पर हमारे पास सिरों की संख्या 7 है, ये 7 आ गया, इंटू आपको क्या करना है, देखो जब हम 4 पैर वाले जीव ज्ञात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये 2 होगा,
तो 7 × 2 कर देंगे, कितना हो गया 14। और ये जो संख्या हमारे पास में आ रही है ये इस संख्या से कम आएगी, जो टोटल पैरों की संख्या उस संख्या से पक्का है ये संख्या कम आएगी आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, इस पैरों की संख्या में से, पैरों की जो संख्या है आपके पास में टोटल 22 है, उसमें से ये 14 घटा देंगे, बराबर आपके पास में कितना बच जाएगा, ये आपके पास से 8 आपके पास बच गया। और फिर इसमें क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में किन की संख्या आ जाएगी दोस्तों, ये आपके पास में 4 पैरों वाले जीवों की संख्या आ जाएगी। अर्थात 4 पैर वाले जीव कितने थे हमारे पास में, कौन से थे, गाय, और गायों की संख्या कितने आ गई हमारे पास में 4। जो 4 आपके पास में देखो उत्तर में मिलान कर लेंगे, हमारा प्रारंभिक उत्तर यही था, तो 4 पैर वाले मतलब गायें हो गई हमारे पास में कितनी, 4। क्लियर। उसके बाद में आता है 2 पैर वाले, क्या होते हैं आपके पास में, सॉरी सिरों की संख्या याद करना, या ये 2 पैरों की संख्या याद करना, 2 पैरों वाले जीवों की संख्या याद करना, ये हमें ज्ञात करना। देखो मैंने बताया था कि जब हमें 4 पैर वाले जीव ज्ञात करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, किससे, छोटी संख्या सिरों की संख्या से। तो हमारे पास सिरों की संख्या कितनी है, 7। जब हमें 2 पैर वाले जीवों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगा जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, कितना हो गया आपके पास में 28। ये पक्का है ये संख्या जो आएगी ये हमेशा पैरों की संख्या से ज़्यादा आ जाएगी, एक बार कम आएगी तो इसमें से घटा देना है, एक बार ज़्यादा आएगी तो इसमें से क्या है कि जो ज़्यादा आ रही है संख्या उसको इसमें से घटा देना है, ठीक है। और अब उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में 28 आ गया, ये वैल्यू ज़्यादा थी, इसमें से माइनस क्या कर दिया आपने, 22 कर दिया, और बराबर ये दोस्तों आपके पास में कितना बच गया, 6, और बटावा 2 वो आधा कर देंगे, बराबर 3। ये आपके पास में क्या आ गए, आपके पास से कबूतर आ गए, कबूतरों की संख्या 3, जी हाँ बिल्कुल सही थी। और हमारे पास में ये क्या आ गया आपके पास दोस्तों, गायों की संख्या 4। तो टोटल जो है आपके पास में 7 जानवर थे, 4 गायें थी, 3 कबूतर थे। इस प्रकार से प्रश्नों का हल यहाँ पर निकालते हैं। अब एक प्रश्न यदि आपको ये समझ में आ गया तो एक प्रश्न और मैं जटिल बड़ा वाला करके बताता हूँ, फिर आपको जो है डायरेक्ट मतलब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर भी आपको निकालने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास में संख्या आ गई कि आपके पास में सिर आ गए दोस्तों यहाँ पर कितने, 80, और यहाँ पर पैर आ गए आपके पास में 200, और आपको यहाँ पर दे दिया कुछ तो बकरियाँ दे दी, क्या दे दी, कुछ बकरियाँ दे दी, और कुछ क्या दे दी यहाँ पर, मुर्गियाँ दे दी। आपको पता हो दोस्तों मुर्गियों के भी कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, और बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब हमें पूछा है कि कुल यहाँ पर जो है आपके पास में मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, मुर्गियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है दोस्तों, मतलब मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर, 4 से करेंगे, किसको, छोटी संख्या से। तो आपके पास हो जाएगा 80 × कितना, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 320। अब 320 जो है इस संख्या से बड़ा आएगा, तो 320 माइनस कितना, 200, बराबर कितना आपके पास में, 120 डिवाइडेड 2, बराबर कितना, 60। इसका मतलब आपके पास में 60 क्या आ गई यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों मुर्गियां आ गई यहाँ पर 7। उत्तर की जांच भी करके बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर क्लियरली। दूसरा अगर मान लो ये पूछ लें यहाँ पर, तो आपके पास में कितना आ गए, 2 पैर वाले आ गए, 2 पैर वाले जीवों की संख्या याद कर ली। अब हम 4 पैर वाले, 4 पैर वालों की जीवों की संख्या याद करते हैं, तो देखो छोटी संख्या क्या है, 80। अब 4 पैर वाले याद कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे, इंटू कितना, 2, कितना हो गया, 160। ये संख्या इस संख्या से कम आएगी, तो इस संख्या में से 200 में से 160 घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 40 डिवाइडेड बाई 2, बराबर कितना, 20। 20 क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर, 4 पैर वाले जीव अर्थात बकरियों की संख्या आ गई आपके पास में, बकरियाँ जो है वो आपके पास में कितनी आ गई, 20 आ गई। अब देखो टोटल जानवर कितने हो गए, 20 तो बकरियाँ और 60 मुर्गियाँ, तो इसने क्या बोला था, सिरों की संख्या। तो देखो सिर चाहे बकरी है चाहे मुर्गी है, एक के एक ही सिर है, तो टोटल 60 मुर्गियों के 60 सिर तो ये, और बकरियों के 20, बकरियों के 20 सिर ये, तो 20 और 60 कितने हो गए आपके पास, 80 तो आपके पास सिर हो गए, ये मामला क्लियर। अब पैर देखो, आपको पता चला कि 60 आपके पास मुर्गियां हैं और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 60 × 2 बराबर 120, तो 120 पैर तो आपके पास में ये हो गए। और आपको पता चला 20 बकरियाँ हैं और एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 20 × 4 बराबर 80, ये 80 अपन ने जोड़ दिए, तो 200 आपके पास टोटल पैर भी हो गए। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार से हम क्या है कि बड़े से बड़े जटिल प्रश्न को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।